हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? इस भाई साहब को लेके भी उतनी एक्साइटमेंट है जिसको लेके पठान को थी, जैसे ही जवान को थी। और टाइगर की भी जो एक्साइटमेंट है बढ़ती चली जा रही है। एक तो इन्होंने डील बहुत बढ़िया क्रैक कर ली है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि भैया वर्ल्ड कप आ रहा है और आप 10 नवंबर के आसपास आ रहे हो दिवाली वाले दिन, तो क्या होगा आपका? तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूँ टाइगर का जो वार है वो किस तरीके का होगा। टाइगर का वार इस तरीके से होगा कि वो वर्ल्ड कप में खुद ही आ जाएगा और वर्ल्ड कप के जितने भी इंडिया के मैचेस होंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ एक पर्सनलाइज टाइगर का मैसेज होगा, और जो मूवी से भी रिलेटेड होगा और जज्बा ऑफ क्रिकेट भी होगा। तो क्रिकेट में ही इसकी प्रमोशन शुरू हो जाएगी। अब मेरे सामने एक और स्क्रीन है जिसके अंदर मैंने कुछ कैलकुलेशन करी है कि ये जो इम्पैक्ट आएगा वर्ल्ड कप का वो कितना अच्छा आएगा मूवी के ऊपर, और डे बाय डे कितनी अच्छी इसकी आप अर्निंग मान सकते हैं। क्या ये इतनी बड़ी मूवी बनेगी जहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पठान को टक्कर दे जाएगी कि नहीं दे जाएगी, या जवान को टक्कर दे जाएगी कि नहीं दे जाएगी, उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करके चलेंगे कि ये एक फेस्टिव सीज़न है तो लोग बहुत ज़्यादा ईगर होंगे कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, देखने के लिए फैमिली के साथ, और साथ ही साथ में क्रिकेट भी है, वो भी फैक्टर जो है देखना पड़ेगा, और इंडिया के मैचेस खास करके। तो बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो जो रीच है लगभग लगभग इस पूरे वर्ल्ड कप की वो 600 मिलियन के आसपास होने वाली है, तो काफ़ी लोग इसको देखने वाले हैं। इंडिया के मैचेस के अंदर स्पेसिफिकली, इंडिया पाकिस्तान के अंदर जहां पर टाइगर तो स्पेसिफिकली देखने वाला, क्योंकि पाकिस्तान का ही पंगा है यहां पर मूवी के अंदर, वहां करीबन 250 मिलियन के लोग की रीच होगी। तो इतने सारे लोग जब टाइगर का मैसेज सुन लेंगे तो शायद थिएटर भी पहुँच ही जाएंगे। अच्छा एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी रहा है। कितने की ये डील हुई है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत ही इफेक्टिव डील है। अब देखो, मैंने एक बेसिक सी कैलकुलेशन करी है। ये जो मूवी है 10 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, और उससे पहले जो भी मैचेस आएंगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्रिकेट इंजॉय करेंगे, लेकिन मूवी के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे हैं। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि 14 तक इंडिया का तो कोई मैच नहीं है, ठीक है? तो इधर जो रुझान होगा कि भाई हमें देखना ही देखना है वो इंडिया के मैचेस के लिए ज़्यादा होता है। तो 10 to 14 होते हैं 5 दिन। फर्स्ट 5 डेज ऑफ जवान वॉज 575 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड, ठीक है? अब हम मान के चलते हैं क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग शाहरुख खान की बाहर बहुत ज़्यादा है और जवान एक एक्सेप्शनल मूवी थी, एक्सेप्शनली थी। यहाँ 575 वाला नहीं होगा, सिर्फ 450 होगा। हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीके से कंजूस बन के कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? तो पहले 5 दिन के अंदर 450 करोड़ ये मूवी करेगी। उसके बाद 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, और उसके बाद 12 नवंबर को नीदरलैंड्स के साथ मैच है। तो नीदरलैंड तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, लेकिन 15 से 19 तो कोई नहीं स्क्रीन से हिलेगा। तो 5 दिन जो है आगे के 5 दिन जो हैं वो लगभग लगभग हमारे को 10 करोड़ की एवरेज ही आएगी, बस ज़्यादा नहीं कर रहे हम इसके अंदर। और 20 करोड़ रुपए आ जाएंगे इसी दौरान वर्ल्ड वाइड से, तो 50 + 20, तो क्या कैलकुलेशन हुआ कि पहले 5 दिन के अंदर इसने 450 कमा लिया, ठीक है जी? और वो डेट हो गई 14th। अब 15th to 19th 5 दिन होते हैं, उस दिन हमने कमाए 50 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये आ गए वर्ल्ड वाइड से, तो टोटल हो गया 520 करोड़ रुपये, ठीक है? लगभग लगभग इतना ही हुआ, 70 + 450 तो हो गए 520 करोड़ रुपए। तो ये जो मूवी है 520 करोड़ रुपए कर चुकी होगी जब तक मैचेस ऑन है। अब मैचेस चले गए, अब 20 तारीख आ गई, अब 20 से 30 में कोई मैचेस नहीं है। अब एंटरटेनमेंट का सोर्स है सिर्फ मूवीज़, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 11 दिन है हमारे पास 20 से 30 तारीख तक, तो 12 करोड़ रुपए की सिर्फ एवरेज आएगी, सिर्फ 12 करोड़ रुपए, उससे बनते हैं 132 करोड़ रुपए। वर्ल्ड वाइड भी थोड़ा सा ड्रॉप आ जाएगा, तो मैं बाहर कलेश भी बहुत चल रहे हैं, तो 50 करोड़ रुपए वहाँ से आते हैं, तो टोटल हो जाता है 182 करोड़ रुपीज़। हम 180 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, पहले 520 था, 180 करोड़ रुपीज़ हो गए, तो हो गए 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है इसका 21 दिन के अंदर। और ये वेरी मच पॉसिबल है, जमान इससे बहुत ज़्यादा आगे थी इस टाइम तक, 21 दिन के अंदर 700 करोड़ हो जाता है। अब हम मान के चलते हैं कि इसके बाद तो इसको बाहर कोई देख ही नहीं रहा है 21 दिन के बाद, सिर्फ इंडिया में लोग देख रहे हैं, और इसकी एवरेज सैटरडे संडे में थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर नॉर्मल दिन में कम आ जाएगी, और 15 दिन भी चलती रहती है क्योंकि 1 दिसंबर को आपको रिलीज़ होगी बहुत ही तगड़ी मूवी जो कि एनिमल, फिर 8 तारीख को योद्धा रिलीज़ हो जाएगी, तो फिर इसको स्क्रीन्स मिलने कम हो जाएंगे। हम 2 करोड़ की एवरेज लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि उसके बाद 15 दिन के बाद ये मूवी भी नहीं लगी रहेगी, तो 15 + 21 दिन होते हैं टोटल मिला के 36 दिन, सर 36 दिन चलेगी ये, ठीक है? मतलब थोड़ा मैं एक्सट्रीम केस लेके चल रहा हूँ, 15 डेज इंटू 2 करोड़ ईच मेक्स अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ रुपीज़, 30 से 50 करोड़ रुपीज़ के बीच में, डिपेंडिंग ऑन क्या आता है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो मैं 0 ज्यूम करके चल रहा हूँ, तो रफली हम 50 करोड़ रुपीज़ मान के चलते हैं। पहले हम 700 करोड़ कर चुके थे, 750 करोड़ इसका टोटल हो जाएगा लाइफ टाइम बिजनेस। तो माई बेट इज़ 7
25 तो इसका मुझे अभी यहाँ होता हुआ दिख रहा है, 750 भी हो सकता है। उससे ज़्यादा करने के लिए इसको जो मेन सपोर्ट चाहिए वो चाहिए साउथ की, और दूसरी मेजर सपोर्ट इसको चाहिए होगी कि जो बाहर मैंने बहुत ही ऑर्डिनरी बिजनेस लगाया, कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं लगाया वर्ल्ड वाइड, वो उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो जो कि एक शाहरुख खान की मूवी के अंदर होता है। आप इस कैलकुलेशन से कितना सहमत हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।